वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो चुका है, फ्रंटलाइन वर्कर्स को पाकिस्तान में वैक्सीनेशन हो रही हैं और जिस फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीनेशन हुई है उनमें से एक डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अनिला मेंगल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिला साहिबा आपके वक्त का, एंड उम्मीद करते हैं कि बल्कि सबसे पहले तो मुबारकबाद, और दूसरी बात यह है कि हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ, आप नाउ आपको कैसा फील हो रहा है, और जो डॉक्टर्स होते हैं जिनको वैक्सीनेशन अब हो चुकी है क्या उनको भी एसओपीज का ख्याल रखना है? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं यही सबको मैसेज दूंगी कि वैक्सीन लगवाने से डरे नहीं। जैसे मैंने खुद को वॉलंटियर पेश किया था, ऐसे सब फ्रंट लाइन वर्कर्स आगे आएं और वैक्सीन लगवाएं, और एसओपीज को फॉलो फिर भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, जब तक ये जाके वैक्सीन असर करे। और वैसे भी ये कोविड 19 के लिए वैक्सीनेशन जो है बनी हुई है, तो इसके दूसरे चेंज जीनोम भी हैं, तो हमें मास्क पहनना पड़ेगा, सैनिटाइज़र यूज़ करने पड़ेगा, जो एसओपीज हैं उन सबको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहिबा, आपने कल वैक्सीन का पहला डोज लगवाया है, कुछ लोग घबरा रहे हैं, तहफ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से कोई मनफी असरात सामने ना आए। आप वैक्सीन लगवा चुकी हैं, आप लोगों को किस तरह से मोटिवेट करेंगी, उन्हें कैसे बताएंगी कि साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं है बल्कि ये वैक्सीन ज़रूरत है हम सब की और ये वैक्सीनेशन ज़रूरी है? देखें, ये जितने भी हम फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हमें ड्यूटीज़ पे आना है, ये बात तो क्लियर है, हम घरों में बैठ नहीं सकते, तो बेहतर है कि हम खुद को सेफ करें, और मैं सबको ये मैसेज दूंगी कि सब आगे आएं और वैक्सीन लगवाएं ताकि वो इस मूजी मर्ज से बच सकें। डॉक्टर साहिबा, डोजेस के हवाले से बताइएगा हमारे नाज़रीन को, कितनी डोजेस लगती हैं, एक तो आपको लग गई है, क्या सेकेंड डोज भी लगेगी और कितने दिन बाद सेकेंड डोज लगती है? जी इसके दो डोजेज़ हैं, एक हमें लग चुका है कल और एक जो है वो 20 डेज़ के बाद लगना है, 3 वीक्स के बाद इसका सेकेंड डोज लगना होता है। ठीक है, ये भी फरमा दीजिएगा कि वैक्सीनेशन के कितने अरसे के बाद दोबारा वैक्सीनेशन करवानी ज़रूरी है, इस बारे में क्या बताया गया है माहिरीन की जानिब से? डॉक्टर साहिबा, अब ये भी आपसे पूछना चाहूँगा, अभी आपको, अब क्योंकि एक दिन हुआ है आपको वैक्सीन करवाए हुए, क्या अभी आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स फील हो रहे हैं? और जब आपको वैक्सीन किया गया था तब आपको बताया गया था कि कोई बुखार या पेन आपको महसूस होगा? जी इसके साइड इफ़ेक्ट वही हैं कॉमन जो हर वैक्सीनेशन के बाद होते हैं, फ्लू और या लाइट सा फीवर आ सकता है, लेकिन हम में ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं आया। हम दो लोगों ने लगवाई थी जब इनाग्रेशन हुई थी, मेरे साथ एक और मेल डॉक्टर भी थे, लेकिन हम में कोई भी सिम्टम नहीं आया, हम दोनों ठीक हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिला मेंगल, आपने वक्त दिया बोल टेलीविज़न को।